यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर ताकि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है, तूने जो कार्य मुझे करने को दिया था उसे मैंने पूरा किया है। हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ओर से है। मैंने उन्हें वो वचन पहुंचा दिया जो तूने मुझे दिया है और उन्होंने इसे ग्रहण किया। वे इसे सच मानते हैं कि मैं तेरी ओर से आया और विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए नहीं पर उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, कि वे तेरे हैं। मेरा जो भी है वो तेरा है और तेरा जो भी है वो मेरा है, और इनमें मेरी महिमा प्रकट हुई है और अब मैं तेरे पास आता हूं। मैं जगत में न रहूंगा पर वे जगत में रहेंगे। हे पवित्र पिता, अपने नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा करना ताकि वे भी उस समान एक हो जाएं जैसे हम दोनों एक समान हैं। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, ताकि पवित्र शास्त्र में जो लिखा गया है वो पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रखे। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं है। सत्य के द्वारा अपने लिए तू उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा तेरे लिए पवित्र हो। मैं इन्हीं के लिए ही विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। मेरी विनती है कि वे सब एक हो, जैसा तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं वैसे वे भी एक हो जाएं, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। मैंने उन्हें वो महिमा दी है जो तूने मुझे दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तूने ही मुझे भेजा है और तू मेरे समान ही उनसे प्रेम रखता है। हे पिता, जिन्हें तूने मुझे दिया है मैं चाहता हूं जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, ताकि वे मेरी महिमा को देखें, वो महिमा जो तूने मुझे दी है, क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले तूने मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार मुझे नहीं जानता पर मैं तुझे जानता हूं और ये जानते हैं कि तूने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और ऐसा मैं करता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं भी उनमें रहूं।